नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। कश्मीर की स्थिति को लेकर लोकसभा में विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने सवाल किया कि स्थिति कब सुधरेगी, तो अमित शाह गरजे कि 370 हटने के बाद कश्मीर में एक भी गोली नहीं चली। अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के पिता को बरसों जेल में कैद रखा है, ये भी कहा, ये आरोप लगाया। सुनिए। हमारी देश की एमपी को जाने की इजाजत नहीं है। आप कहते कि नॉर्मलिटी आ गए, नॉर्मलिटी इनफ्लो क्या है? राज्यमंत्री जी, आप जवाब दे दो। अध्यक्ष जी, नॉर्मलिटी बता दो सारी। अध्यक्ष जी, आज बहुत नॉर्मल सी है, हमारा पुलिस अच्छे काम करे। आप बताइए कि नॉर्मल सी कब आएगा, और वहां से हमारे बहुत सारे पार्टी के लीडर हिरासत में है, उनको कब छोड़ा जाएगा, और साथ तक आज तक कितने लोगों को आपने अरेस्ट किए हैं, ये सारे ब्यौरा हमारे पास रखिए। अध्यक्ष जी, जहां तक जम्मू कश्मीर की जनता और विशेषकर घाटी की जनता है, पूरी तरह से स्थिति नॉर्मल है। कांग्रेस की स्थिति मैं नॉर्मल नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने यहां भाषण किए थे कि 370 हटने के बाद रक्तपात हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, सालों सालों तक कर्फ्यू नहीं उठा पाएंगे। कुछ नहीं हुआ माननीय, एक भी गोली नहीं चली, एक भी जगह पे गोली से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। मैं बताता हूं, किशन जी ने इतनी सारी चीजें बताई, परीक्षा के अंदर 99.5% उपस्थिति। मारे बाप बैठिए, सुनिए, आप जवाब देने दीजिए। माननीय, उन्होंने कहा, इन्होंने एक नॉर्मल स्थिति की बहुत अच्छी व्याख्या जो कांग्रेस पार्टी की है बताई, कि अधीर रंजन जी की बताई कि पॉलिटिकल एक्टिविटी ही नॉर्मल स्थिति मानी जाएगी। चलिए भैया, समाज में सारे लोगों की स्वास्थ्य की चिंता अच्छे से हो रही है, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं है। बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वो नॉर्मल परिस्थिति नहीं मानते हैं आप। कोर्ट के अंदर इनको बिठा दीजिए, अब ये पद्धति नहीं है सदन में बात करने की। मानेश्वर, प्लीज प्लीज, अगर आपको ही सवाल का जवाब देना है तो पूछते क्यों हो भाई? 9.5% बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो उनको ठीक नहीं लगता है। सिर्फ श्रीनगर में 7 लाख से ज्यादा ओपीडी के पेशेंट आए, वो ठीक नहीं लगता है। सारे थानों में से कर्फ्यू हटा लिया, ये नॉर्मल नहीं लगता है। सारे थानों में से 144 हटा ली गई, वो नॉर्मल नहीं लगता है। पुलिस फायरिंग से एक भी गोली नहीं हुई, मृत्यु नहीं हुई, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। ट्रैफिक की आवाज आई ठीक ढंग से हो रही है, वो भी नॉर्मल नहीं लगता है। उनको लगता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी कब होगी, वही उनकी नॉर्मल सिंह की व्याख्या है। सामान्य परिस्थिति की व्याख्या अधीर रंजन जी की यह है कि पॉलिटिकल परिस्थिति कब शुरू होगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।